गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आप लोगों का अभी क्लॉज चल रहा है। प्रीवियस वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में हम लोगों ने क्लॉज के बारे में पढ़ा था। क्लॉज के जो पार्ट्स हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज के भी बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज के जो पार्ट होते हैं, जो तीन पार्ट होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सब ऑर्डिनेट क्लॉज के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन मतलब क्लॉज होते हैं, उससे बनते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे। सबसे पहला है नाउन क्लॉज। आप जानते हैं कि नाउन के बारे में जानते हैं कि जब कोई भी वर्ड्स किसी नाउन के लिए आता है, ठीक है, तो उसे हम नाउनिंग करते हैं। नाम जब जानते हैं किसी व्यक्ति स्थान आदि नाम को कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नाउन क्लॉज कैसे हम पता करेंगे, कैसे हम बता सकते हैं कि कोई क्लॉज जो दिया हुआ है वो नाउन क्लॉज है या वो एडवर्ब क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। ए क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए नाउन क्लॉज। एक ऐसा क्लॉज जो वर्क करता हो, जो काम करता हो, कैसे, किसकी तरह, नाउन की तरह, किसकी तरह काम करता हो, नाउन की तरह वर्क करता हो ना, उसे हम लोग नाउन क्लॉज कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आई आस्क हिम व्हाट ही लाइक्स। जब कल मैंने आप लोग को बताया था तो मैंने बताया था कि क्लॉज दो होते हैं, एक मेन क्लॉज होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्लॉज के बारे में बताया था कि क्लॉज बनते हैं सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बारे में आप जानते ही होंगे कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने फॉर्म को, ठीक है, अपने फॉर्म को टेंस के हिसाब से बदल लेता है। कभी V1, V3, V4, V5 के रूप में अपने आप को चेंज करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयास आप जानते हैं, आयास की यह मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज के बारे में तो हमको बात ही नहीं करना है, हमको बात करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में, यानी कि नाउन क्लॉज के बारे में। तो हमको इसमें बात करना है, व्हाट ही लाइक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह जो व्हाट जो है, व्हाट हो गया, हु हो गया, डैट हो गया, वेयर हो गया, ठीक है, इसी से पता चलता है कि यह क्लॉज नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। एडवर्ब में थोड़ा सा लॉन्ग आएगा लेकिन देखते हैं। तो आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट ही लाइक्स, वह क्या पसंद करता है, वह क्या पसंद करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हाट किसके लिए है, उसके लिए जो, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे व्हाट किसके लिए है, उसके लिए है, यानी कि किसी नाउन के लिए है। तो यहाँ पे व्हाट जो है वो कैसा एक्ट कर रहा है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो, आई नो, मैं जानता हूँ, हु विल डू दिस, हु विल डू दिस। पहले तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमको पता करना है, हु विल डू दिस। अब ये पता चले यहाँ पे हु किसके लिए है, मैं यह जानता हूँ कि वह कर सकता है। हु किसके लिए रिप्रेजेंट है, वह जो इस काम को कर सकता है। तो यहाँ पे हु किसके लिए है, एक नाउन के लिए है। दैट मींस यहाँ पे हु एक किस प्रकार से कर रहा है, फॉर नाउन, नाउन के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे हु व्हाट जो हो गया वो नाउन हो गया और ये जो क्लॉज हो गया वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो था वो नाउन क्लॉज में हो गया, ना कि नाउन क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कैसा है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, अब देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। आप जानते ही होंगे एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं उसको, मतलब कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वालिटी को, उसके मीनिंग को चेंज करके उसके गुणों को बताते हैं। ठीक है, आप तो ये जानते हैं। आइए देखते हैं इसको डिफिनेशन के साथ। व्हेन ए क्लॉज एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। जब एक क्लॉज, जब एक सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसा काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को, विशेषताओं को उसको बताता हो, तब वो कैसा क्लॉज कहलाएगा, तब वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। इसका एग्जांपल से देखते हैं, समझते हैं। दिस इज द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। दिस इज द गर्ल, हम जानते हैं ये हमारा मेन क्लॉज है, तो हमको मेन क्लॉज के बारे में बात नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब इसी पर हमको देखना है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है, कि यह नाउन क्लॉज है। अब इसको देखते हैं, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है। अब आप ही बताइए कि हु जो है वो क्या बताना चाहता है, कि यह वही लड़की है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है, तो उसके किस गुण को बताने की कोशिश, तो उसके क्वालिटी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हु जो हुआ उस लड़की के क्वालिटी को बता रहा है। तो यहाँ पे हु जो हुआ और कैसा काम कर रहा है, वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उस लड़की की विशेषताओं को यह बता रहा है।
फिर देखते हैं सेकंड सेंटेंस, ही इज द ओनली बॉय दैट कैन डू दिस, ही इज द ओनली बॉय दैट कैन डू दिस, तो हमको दैट कैन डू दिस मतलब है सबॉर्डिनेट क्लॉज है। अब यहां पे डैड के बारे में देखते हैं, ही इज द ओनली बॉय दैट कैन डू दिस, या वही लड़का है जो यह काम कर सकता है, यानी कि कौन सा लड़का, वही लड़का। तो यहाँ पे डैड जो आया उस लड़के के गुण को बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर की एबिलिटी है कि वह यह काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हु और डैड जो थे वो किस प्रकार के वर्क कर रहे थे, एडजेक्टिव की तरफ, क्योंकि वो किसी नाउन की विशेषताओं को बता रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज हुए। ऊपर मैंने देखा कि व्हाट और हु किसके लिए आ रहे थे, एक नाउन के लिए आ रहे थे, नाउन के लिए आ रहे थे, तो हमने उसे नाउन क्लॉज कहा। और एक और चीज देख लीजिए कि उनके बाद एक नाउन है, हु विल डू दिस, ठीक है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन ठीक है ये नाउन की तरह। तो नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं एडवर्ब क्लॉज की तरफ। आप लोग जब एडवर्ब क्लॉज का डिफिनेशन पढ़िएगा और समझिएगा, एडवर्ब का पहले बात करते हैं, तो आप लोग यह जानिएगा कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन या नाउन के मीनिंग में ये और ऐड करता है, ठीक है, यानी कि उनकी और विशेषताओं को एडजेक्टिव से भी आगे बताता है, ठीक है, यह तो आप जानते हैं। देखते हैं इसका डेफिनेशन। व्हेन इन क्लॉज एक लाइक एन एडवर्ब, जब कोई क्लॉज, जब कोई सबॉर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब की तरह काम करे, ठीक है, इट इज एन एडवर्ब क्लॉज, तब हम उसे एडवर्ब क्लॉज कहेंगे, यानी कि उसकी मीनिंग में और कुछ ऐड करें, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल। He came when I was taking rest. पहले सबॉर्डिनेट क्लॉज को हम लोग पता कर लेते हैं, यहाँ पे when I was taking rest होगा, ठीक है। He came when I was taking rest. वह कब आया, जब मैं रेस्ट कर रहा था, ठीक है, जब मैं विराम कर रहा था। तो यहाँ पे when क्या कर रहा है, उसके टाइम को बता रहा है, ठीक है, उसके टाइम को बता रहा है, यानी कि उसको और मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे when क्या हुआ, आपका एक एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए हम इसे एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हेन द टीचर केम, यहां से पहले तो सबॉर्डिनेट क्लॉज ले लेते हैं, व्हेन द टीचर केम, स्टूडेंट स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए कब, जब शिक्षक टीचर क्लास में इन किए, तो कब खड़े हो बाबू, जब बच्चे, जब टीचर क्लास में इन किए। तो यहाँ पे व्हेन क्या कर रहा है, व्हेन एग्जैक्ट टाइम को बताने की कोशिश कर, उनके और उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे व्हेन आपका एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो फिर से समझ लेते हैं, जब कोई व्हाट हुआ, हु हुआ, जब नाउन की तरह एक्ट करे, किसी नाउन के बारे में बताए, तो वो नाउन क्लॉज होगा। जब यही हु, डैड, वेयर, हाउ, जब किसी व्यक्ति की क्वालिटी को दर्शाए, ठीक है, तो उसे हम लोग एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। यही व्हाट, हु, डैड, जब किसी व्यक्ति या जब किसी काम के एग्जैक्ट टाइम को या उसके एडवर्ब को बताए, उसकी क्वालिटी को और मॉडिफाई करे, ठीक है, तो उसे हम लोग एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। यहाँ पे आप लोगों का क्लॉज जो चैप्टर था क्लास एक वो समाप्त होता है। कल हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस जो आप लोग का चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर क्लॉज चैप्टर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में वो लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर ही बना दूंगा। थैंक यू।